गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हार्पून फिल्म को। फिल्म शुरू होती है जॉन नाम के एक लड़के को दिखाकर, जो कि अपनी पेरेंट्स की तस्वीर को देख रहा था। असल में कुछ समय पहले ही उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उस पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज था। अब तभी माइकल नाम के एक लड़के की कॉल आती है, जो कि जॉन का बेस्ट फ्रेंड है और वो अभी जॉन के घर ही आने वाला है। लेकिन माइकल जैसे ही जॉन के घर पे आता है, वो जॉन को बहुत मारने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर साशा जाती है और वो जॉन को बचा लेती है। साशा ये माइकल की गर्लफ्रेंड है और माइकल को बताती है कि वो फालतू में ही जॉन को मार रहा था। असल में माइकल ये जॉन से कुछ बात पर नाराज है और इसलिए उसने जॉन के साथ ऐसा किया। अब माइकल जॉन और साशा को मनाने के लिए उन्हें बीच पर लेकर आता है। उसका प्लान था कि वो तीनों ही एक साथ एक दिन के लिए समुद्र की सैर करेंगे। माइकल ये बहुत ही अमीर था और उसके डैड बहुत ही पावरफुल थे और माइकल ने कई बार जॉन की भी मदद की थी। अब तीनों एक दिन के खाने का सामान लेकर बोट लेकर समुद्र के सैर पर निकल जाते हैं। बोट में जॉन और माइकल साथ बैठे थे और साथ सनबाथ ले रही थी। तभी जॉन माइकल से पूछता है कि उसने उसे क्यों मारा था। तब माइकल कहता है कि मुझे शक था कि तुम्हारा और साशा का अफेयर चल रहा है। तब जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। अब जॉन और माइकल मिलकर फिशिंग करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच जॉन जाकर साशा से बात करने लगता है और ये देखकर माइकल को फिर से जॉन पर शक हो जाता है कि उसका और साशा का अफेयर चल रहा है। तो माइकल सीधा जॉन के पास जाकर उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन तभी पीछे साशा जाती है जो माइकल के सर पे बॉटल से वार करती है, जिससे माइकल बेहोश हो जाता है। साशा जॉन को कहती है कि माइकल तुम्हें मारने वाला था, लेकिन जॉन कहता है कि माइकल मुझे नहीं मारता। इसी बीच माइकल उठ जाता है और जॉन को एक पंच मारता है, जिससे जॉन पीछे जाकर गिरता है। तब साशा हार्पून उठा लेती है और माइकल को शांत रहने को कहती है, लेकिन तभी उससे हार्पून चल जाता है, जो कि सीधा जॉन के हाथ पर लग जाता है। ये देखकर माइकल साशा का गर्दन दबाने लगता है। तभी पीछे से जॉन आता है और वो हार्पून से माइकल के सर पे वार करता है। माइकल गिर जाता है और उसके सर से बहुत खून आने लगता है। ये देखकर साशा और जॉन दोनों ही बहुत डर जाते हैं, क्योंकि अगर माइकल उठ गया तो वो उन दोनों को नहीं छोड़ने वाला, और अगर माइकल मर गया तो उसके फादर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जॉन और साशा दोनों प्लान बनाने लगते हैं कि वो कैसे माइकल के डैड से बच सकते हैं। तभी माइकल जो के बोट के किनारे में था, वो झटका खाकर समुद्र में गिर जाता है और समुद्र में गिरने से उसे होश भी आ जाता है। ये देखकर जॉन उस पर हार्पून तान देता है। तब माइकल जॉन को धमकी देता है कि इस बोट की चाबी मेरे पास है और अगर मैं मारा गया तो चाबी भी मेरे साथ ही चली जाएगी और तुम दोनों यहीं पर फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम बोट की सारी नुकीली चीजों को समुद्र में फेंक दो तो मैं ऊपर आ जाऊंगा और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और फिर हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। ये सुनकर साशा माइकल को कहती है कि अगर हमने तुम्हें ऊपर ले भी लिया तो तुम फिर अपने डैड को बताकर हमें मरवा दोगे। तब माइकल कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब इसके बाद जॉन बोट में जितने भी नुकीली चीजें थे उसे समुद्र में फेंक देता है और माइकल ऊपर आ जाता है। माइकल जॉन और साशा तीनों ही बोट के ऊपरी हिस्से पे जाते हैं और बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल के पास जो चाबी थी उससे भी बोट स्टार्ट नहीं होती, यानी कि अब वो तीनों ही इस गहरे समुद्र में फंस चुके थे। ये देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो इसका इल्जाम जॉन और साशा पे ही लगाता है कि उनके वजह से ये सब कुछ हुआ है। माइकल को बोट में एक डब्बा मिलता है तो वो उसमें पानी भरने लगता है, लेकिन अब पीने का पानी भी खत्म हो चुका था। अब तो ना उनके पास पानी बचा था और ना ही कुछ खाने का सामान था, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ एक दिन का ही खाने का सामान लाए थे। और ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। इस खाली समुद्र में उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता जो उनकी मदद कर सके। अब एक दिन माइकल एक पक्षी को पकड़ लेता है और फिर वो तीनों मिलकर उस पक्षी का खून पीते हैं, लेकिन जॉन को ये हजम नहीं होता और उसे उल्टियाँ होती है। तभी माइकल एक वाइन की बॉटल लेकर आता है, जिससे कि वो कहीं रखकर भूल गया था, और फिर वो तीनों उस वाइन को पीते हैं।
इसी बीच माइकल जॉन से पूछता है कि जब मैं पानी में गिरा हुआ था तो तुम्हें मुझसे डर लगा था क्या? तो जॉन जवाब देता है कि मुझे तुमसे तो नहीं, लेकिन तुम्हारे डैड से जरूर डर लगा था, क्योंकि अगर तुम मर जाते तो तुम्हारे डैड हम दोनों को ही नहीं छोड़ते। और इसके बाद वो तीनों हंसी मजाक और एंजॉय करने लगते हैं। अब जॉन अपनी हाथ को देखता है जो कि हार्पून लगने की वजह से बहुत ही जख्मी हो गया था, और उसका जख्म धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। जॉन अपने जख्मों को साफ करता है और सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उसे रात में बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगा था। जॉन की इस हालत को देखकर सासा माइकल को कहती है कि हमें जॉन का हाथ काटना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगी। जिस बात पर माइकल कहता है कि ऐसा करने के लिए हमारे पास कोई नुकीली चीज भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो समुद्र में फेंका जा चुका है। तब सासा उसे कांच का टुकड़ा लाकर देती है। कांच को देखकर जॉन बहुत ही घबरा जाता है, पर सासा उसे समझाती है कि ऐसा करना ही होगा, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ को अभी काटा ना गया तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाएगा और तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। तब माइकल जॉन के हाथ को बेल्ट से बांधता है और सासा उसके हाथ को काटने लगती है, लेकिन उस कांच के टुकड़े से जॉन का हाथ नहीं कटता, लेकिन वहां से बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। तो माइकल उसके खून को कलेक्ट कर लेता है और बाद में माइकल और सासा दोनों मिलकर उसके खून को पी जाते हैं। अब जब सुबह होती है तो माइकल सासा से पूछता है कि अगर जॉन मर गया तो क्या हम उसे खा सकते हैं? तब सासा कहती है कि बिल्कुल नहीं। अब रात में फिर से जॉन की हालत बहुत खराब हो जाती है, उसे बहुत पेन होने लगता है। तब सासा उसे जाकर संभालती है। तब जॉन कहता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं खाया तो वो मर जाएगा। इस बात पर माइकल बहुत ही गुस्सा करने लगता है और तब सासा उसे शान करवाती है, और इसके बाद वो तीनों मिलकर धागा खींचने का एक गेम खेलते हैं। इस गेम में जिस किसी का भी धागा सबसे छोटा होगा उसे मरना पड़ेगा और बाकी दोनों उसे खाकर जिंदा रहेंगे। इस गेम को खेलने पर सासा का धागा सबसे छोटा आता है, तो वो कहती है कि इस गेम को एक बार और खेलना चाहिए। और दूसरे राउंड में माइकल का धागा सबसे छोटा आता है, वो कहता है कि हमें एक बार और करना चाहिए, लेकिन सासा कहती है कि ये लास्ट बार था। और ये कहते ही जॉन माइकल का गला काट देता है और फिर वो कुकीज निकाल कर सासा को देता है और से बताता है कि मैं कब से माइकल को मारने की सोच रहा था, मुझे कल ही इस बोट के बंद पड़ने का कारण पता चल चुका है जो कि जनरेटर है, लेकिन मैंने माइकल को नहीं बताया, क्योंकि अगर उसे पता चलता और हम तीनों यहाँ से निकलते तो वो अपने डैड से खवा कर हम दोनों को मरवा देता। सासा जॉन के स्वरूप को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। तब जॉन इंजन रूम में जाता है फ्यूज लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर फ्यूज लगाने के अलावा बाकी सब कुछ ठीक था। फ्यूज लगाते ही बोट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बोट स्टार्ट होते ही सासा जॉन को धक्का दे देती है और वो समुद्र में गिर जाता है, और बोट के मोटर से वो कट जाता है और उसके वही डेथ हो जाती है। और फिर सासा आराम से बोट को स्टार्ट करती है, लेकिन गियर डालते ही बोट में झटका लगता है और वो खुद भी समुद्र में गिर जाती है और बोट आगे चली जाती है। और यही होती है ये फिल्म खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं अगले फिल्म में, तब तक के लिए बाय बाय।